बताइए। हमारा जो इंडिया है ये डेमोक्रेटिक है, इसमें सब लोगों की बात सुन के बाद में रिजोल्यूशन लिए जाते हैं। तो जैसे ही सरकार ने ब्रिज कोर्स का प्रावधान करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ आईएमए लोगों ने इसको विरोध किया, कड़ा और प्रखर विरोध किया। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में जाके हम लोग सेवाएं दे रहे, इसका कुछ मैं आपको कारण बताता हूँ। मैं टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.2 बिलियन है, इसमें से 78% एक ग्रामीण इलाकों में बसी हुई है और 22% ये शहरी इलाकों में बसी हुई है। लेकिन इनको हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जाती है, जो आरएमपीज बोलते हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स है, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 76% ये शहरों में बसी हुई है और खाली 24% ये ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर हिसाब देखा जाए तो ज़्यादा लोगों के लिए कम डॉक्टर्स, और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका अगर डॉक्टर पॉपुलेशन देखा जाए तो 1:1000 दिया हुआ है। ये पॉपुलेशन रेशियो मेंटेन किया जाता है कि नहीं, ये देखना काम केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए, हम लोग बोलते हैं या तो एम्बेसडर डॉक्टर बढ़ाओ या फिर जो आयुष प्रैक्टिशनर्स ग्रामीण इलाकों में सेवाएं दे रहे उनको इंटीग्रेट करो, ब्रिज कोर्स के द्वारा इनको इंटीग्रेट करो। देखिए, भारत के नागरिक का मूलभूत अधिकार है हेल्थ टू ऑल एंड एजुकेशन टू ऑल। लेकिन क्या हुआ है, मेडिकल एजुकेशन है ये, इसको अप्रूवल देना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और इसको एमसीआई के नियमों के तहत एलोपैथी करने का अधिकार खाली जो एमसीआई रजिस्टर्ड डॉक्टर है या जो हम लोग बोलते हैं आरएमपीज उनको ही है। तो अगर एलोपैथी का एजुकेशन लेना है तो एमसीआई का अप्रूवल लेना भी जरूरी है। तो एमसीआई को जब रिपीलिंग किया गया तो यह सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि एमसीआई को रिपील करके एनएमसी बिल इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके जो चैप्टर 8 में जो सेक्शन 49 है, वो सेक्शन 49 के जो सब सेक्शन 4 थे उसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया। इसी की तरफ हम लोग आयुष डॉक्टर्स इंटीग्रेटेड होके जो भी अभी सेवाएं दे रहे तो वो और पोटेंशियल होके दे सकते हैं और एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल करके इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।